भारतीय अपराध जगत कई भयानक घटनाओं को दफन किए बैठा है। हमारे यहाँ कई बड़े बड़े सिंडिकेट इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। आज जहाँ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं चारों ओर हो रही है, वह इंडिया का सबसे फेमस गैंगस्टर बन चुका है। आज उसने अपने गैंग को ग्लोबलाइज करते हुए भारत के अलावा विदेशों में भी अपनी जड़ें फैला दी हैं। आजकल क्राइम की घटनाएं मानो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। घर में घुसकर गोली मारना, फोन पर किसी की सुपारी लेना, किडनैपिंग, गैंग वॉर, यहाँ तक कि जेल के अंदर भी अब तो हत्याएं हो रही है। आज जेलों के अंदर हो रहा है मर्डर को लेकर राजधानी दिल्ली की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल बदनाम हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में तिहाड़ जेल में कई कैदियों की हत्याएं हुई। हाल ही में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू दादपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई थी। अरे मामा, ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटनाएं आजकल से हो रही है। जेलों में गैंग वॉर की घटनाएं तो 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी हो रही थी। आज एक ऐसी गैंग वॉर की बात करनी है। उस दिन जेल के अंदर गोलियां चली थी, वह भी सैकड़ों पुलिस वालों के सामने। वो तो किस्मत थी अबू सलेम की, वो बच गया, वरना उसी दिन उसका काम तमाम हो जाता। आइए जानते हैं उस दिन जेल में क्या हुआ था, किसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार डॉन अबू सलेम को मारने की कोशिश की थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड सीरीज में आज बात करनी है एक ऐसे गैंग वॉर की जो जेल में हुआ था। ये कहानी ना कहीं सुनी होगी ना कहीं देखी होगी, सबसे अलग कहानी होने वाली है। वीडियो में बने रहे। कम छो मजामा। अरे मामा, वो साल था 2013 का। पूरे मुंबई में कई सवाल लोगों की जुबान पर थे कि क्या पुलिस वाले बिक गए थे, क्या जेल वाले बिक गए थे, या फिर पूरा तंत्र ही बिक गया था। किसी ना किसी ने तो अपना ईमान बेचा होगा, किसी ना किसी ने वर्दी का सौदा किया होगा, क्योंकि पुलिस की चाक चौंध सुरक्षा के बीच जेल के अंदर कोई हथियार लाया था, सवाल उठना लाजमी था। अरे मामा, इस पूरी घटना पर दो तरह की थियरी सामने आई थी। हम इन दोनों थियरी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं आखिर उस रात क्या हुआ था। वो तारीख थी 25 जून 2013 की, शनिवार का दिन था। नवी मुंबई की तलोजा जेल, आम दिन की तरह यहाँ आज सारे कैदी रात होते होते अपने बर्क के अंदर जा चुके थे। मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी और डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम का एक बड़ा मोहरा, मुंबई का नाम चिंडोन अबू सलेम भी इसी जेल में कैद था। लेकिन मामा, शनिवार से पहले गुरुवार को एक और घटना घटती है। दरअसल इसी तलोजा जेल में मुंबई अंडरवर्ल्ड का जाना माना शार्प शूटर भी बंद था, जिसका नाम था देवेंद्र जगताप, जो वकील साहिद आजमी की हत्या के मामले में यहाँ बंद था। और गुरुवार की सुबह शार्प शूटर देवेंद्र को तलोजा जेल से मुंबई कोर्ट पेशी पर ले जाया गया था। कोर्ट की कार्यवाही खत्म कर वापस उसे तलोजा जेल लाकर बंद कर दिया गया। और फिर जब शनिवार रात 8 बजे के करीब जब देवेंद्र को मौका मिला और अबू सलेम उसके सामने आया कि उसने अबू सलेम के ऊपर 2 राउंड फायर कर दिए। इसमें अबू सलेम बच तो गया, लेकिन उसके हाथ में खरोच लग गई। इधर तुरंत जेल स्टाफ ने देवेंद्र को हिरासत में ले लिया, जबकि अबू सलेम को अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। लेकिन जब ये खबर मीडिया वालों को पता चली कि तलोजा जेल के अंदर अबू सलेम पर गोलियां चली हैं, और जब ये खबर मीडिया में चली तो छप्पर फाट टीआरपी आई, पूरे अंडरवर्ल्ड में भौकाल मच गया। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, इतने बड़े डॉन को मारने की प्लानिंग रची तो रची किसने। इधर 2 दिन बाद यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया और मुंबई क्राइम ब्रांच ने सबकी लंका लगानी शुरू कर दी। मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने सबसे पहला सवाल ये था कि जिस जेल के अंदर पिस्टल तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ ये हथियार पहुँचे कैसे। तलोजा जेल में हुए इस खून खराबे के पीछे के सच को जानने के लिए क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र जगताप को अपनी कस्टडी में ले लिया। वहीं क्राइम ब्रांच को उन 10 पुलिस वालों पर भी शक हुआ जो गुरुवार को देवेंद्र को तलोजा जेल से मुंबई कोर्ट पेशी पर ले गए थे, क्योंकि यही वह समय था जब जगताप के पास पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस आए थे। क्राइम ब्रांच ने उन सभी 10 पुलिस वालों का रिकॉर्ड बयान किया और फिर उसके बाद बारी थी तलोजा जेल के दरवाजे पर तैनात उन जांच कर्मियों की, जिनकी जांच से गुजरने के बाद ही देवेंद्र जेल के भीतर दाखिल हुआ होगा। आखिर ये कैसी जांच थी,
देसी पिस्टल के साथ देवेंद्र अपने बरेक तक पहुंच गया। यही नहीं, उस दिन कोर्ट में पेशी के दौरान देवेंद्र को मिलने उसकी बीवी और तीन लोग आए थे। पुलिस ने उनकी भी तलाश शुरू कर दी। अब सबसे अहम बात, क्राइम ब्रांच को शक अबू सलेम के खुरापाती दिमाग पर भी था कि कहीं अबू सलेम ने ही खुद पर यह हमला तो नहीं करवाया होगा, क्योंकि जो शार्प शूटर देवेंद्र जगताप है वो ट्रेन किया हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड का खतरनाक शार्प शूटर है। उसका निशाना आज तक गवारा नहीं गया। फिर जेल में कुछ ही दूरी पर सामने खड़े अबू सलेम पर वो निशाना क्यों चुक गया? एक नहीं दो दो गोलियां चली, फिर भी उसका निशाना अबू सलेम पर नहीं लगा। ये बात मुंबई क्राइम ब्रांच को हजम नहीं हो रही थी। आखिर अबू सलेम खुद पर हमला क्यों करवाएगा? तो मामा, इस सवाल का जवाब है, और ये जवाब जानना है फिर तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब है हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर पुर्तगाल में। आखिर पुर्तगाल और अबू सलेम के बीच क्या कनेक्शन है, ये जानना पड़ेगा। और इसके लिए अबू सलेम के काले इतिहास के पन्ने फिर से पलटाने पड़ेंगे। अरे मामा, क्या आप जानते हैं अपने स्टाइल और लुक के लिए अंडरवर्ल्ड में मशहूर अबू सलेम को चिकना बुलाया जाता था, और वह अपने गैंग के लिए बॉलीवुड से उगाही करता, धमकी भरे कॉल और फायरिंग करवाता। लेकिन इस डॉन की शुरुआत बेहद मामूली थी। यूपी आजमगढ़ के गांव सराय मिर्क से नौकरी की तलाश में सलीम वह पहले दिल्ली गया, जहां वह एक ड्राइवर की नौकरी करता था। पर अपनी नौकरी से नाखुश सलीम मुंबई आया और छोटे मोटे वारदात को अंजाम देने लगा। फिर दाऊद के भाई अनीस की नज़र उस पर पड़ी। 90 के दशक के शुरुआती दिनों में अबू सलेम अनीस इब्राहिम की गाड़ी चलाने का काम करता था। इसके बाद हुआ अनीस के स्मगलिंग के धंधे से जुड़ा, और देखते ही देखते वह अनीस का खास आदमी बन गया। धीरे धीरे वह दाऊद के संपर्क में आया और अब डी कंपनी का पक्का शार्प शूटर बन गया। डी कंपनी का दिल जीतने के बाद वह 93 के बम धमाके के लिए चुना गया, जहाँ वह संजय दत्त को 156 हथियार सप्लाई करता है और बारूद से आई हथियारों की खेप मुंबई पुलिस की नज़रों से छिपाकर दुबई चला गया। यहाँ बता दूँ, अबू सलेम, दाऊद और संजय दत्त के बीच क्या रिश्ता था? कैसे मुंबई पुलिस के DCP राकेश मारिया ने फिल्मी अंदाज में संजय दत्त को एयरपोर्ट पर घेरा था, उस पर हम एक वीडियो बनाए हैं, उसे जरूर देखना। खैर, दुबई जाने के बाद अबू सलेम दाऊद के कहने पर मुंबई में फ़ोन पर वसूली करने लगा और अंडरवर्ल्ड का जाना माना चेहरा बन गया। लेकिन फिर मुंबई में बढ़ते क्राइम से मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दी गई और शुरू हुआ एनकाउंटर का दौर। प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर जैसे पुलिस वाले मुंबई की गलियों में एनकाउंटर से खून की नदियां बहाते थे। साथ साथ अपराधियों की गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हुआ। कुछ मुंबई में पकड़े गए, कोई विदेशी धरती पर। वहीं अबू सलेम को भारत लाने इंटरनेशनल प्रेशर था, विदेशी पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। तो वह दुबई से केन्या गया और वहां से पुर्तगाल के लिस्बन में फर्जी पहचान के साथ रहकर क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट करने लगा। लेकिन वो 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया और मुंबई की आर्थर रोड जेल शिफ्ट कर दिया गया, फिर तलोजा जेल शिफ्ट किया गया। और अब जब देवेंद्र जगताप ने जब दो गोलियां एकदम नजदीक से अबू सलेम पर चलाई, फिर भी निशाना चूक गया, जबकि देवेंद्र था एक शार्प शूटर। और तब सामने आया कि अबू सलेम ने यह हमला खुद पर करवाया था। वजह थी वापस पुर्तगाल जाना और भारत में फांसी की सजा से बचना, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जब कोई ट्रेन किया हुआ शूटर जब तक कभी निशाना चुका नहीं था, वहाँ जब एक नहीं दो दो फायरिंग करता है, अगर उसे अबू सलेम को मारना ही था फिर हाथ में गोली क्यों मारेगा? सीधा सिर पर या सीने में गोली मारता। जिस आदमी को पुलिस वाले भी गुड शूटर मानते हो, वह यहाँ गलती कैसे कर सकता है? दरअसल जब अबू सलेम को पुर्तगाल पुलिस की कस्टडी से भारत लाया गया तो पुर्तगाल सरकार की पुलिस ने एक कंडीशन रखी थी कि उसे फांसी की सजा ना दी जाए और उसका सिक्योरिटी भी देखे। अगर सिक्योरिटी सही नहीं होगी तो हम उसे वापस पुर्तगाल ले जाएंगे। इधर अबू सलेम ने खुद पर जेल के अंदर हमला करवा कर ये साबित करने की कोशिश की कि उसकी जान को खतरा है भारत की जेल में, उसे पुर्तगाल ले जाया जाए। अबू सलेम का प्लान था कि इस हमले के बाद वह हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करता और फिर उसे पुर्तगाल भेज दिया जाएगा। लेकिन मामा, ऐसा हुआ नहीं। देखो, आज भी वह भारत की जेल में बंद है। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।